दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर पंजाब विधानसभा चुनाव में एएपी की जीत होती है तो आम आदमी पार्टी राज्य का मुख्यमंत्री पंजाब से ही चुनेगी। पटियाला में हुई एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मंगलवार को दिए बयान पर भी सफाई दी। सिसोदिया ने मंगलवार को मोहाली और अनंतपुर साहिब में रैली के दौरान कहा था कि पंजाब के लोगों को ये सोचकर वोट देना चाहिए कि केजरीवाल अगले मुख्यमंत्री होंगे। रैली में केजरीवाल ने कहा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली की जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब का मुख्यमंत्री कोई भी बने, ये उनकी जिम्मेदारी है कि पंजाब की जनता से किए गए सभी वादे पूरे किए जाएं। गुरुग्राम में प्रवासी हरियाणा सम्मेलन 2017 के दूसरे और आखिरी दिन के कार्यक्रमों में हरियाणा के अब तक के विकास और भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा हुई। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। प्रवासी हरियाणा दिवस ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू रीकनेक्ट विद योर रूट्स इन दीस हिस्टोरिक टाइम्स व्हेन द पॉलिटिकल लीडरशिप इज रेजोल्यूट, ब्यूरोक्रेसी इज चार्ज्ड अप एंड हरियाणवी सोसाइटी इज मॉडर्नाइजिंग। इस सम्मेलन में पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हरियाणा से अपने जुड़ाव का इजहार किया। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे सूबे के लोगों ने दुनिया भर में हरियाणा के हुनर और मेहनत का डंका बजाया है। इसके लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कर्म के सिद्धांत और महाराजा अग्रसेन के समाजवाद की शिक्षा को प्रेरणा बताया। हरियाणा से दिल्ली आया तो दिल्ली में लोग बोलने लगे हरियाणा वाला, और जब दिल्ली से मुंबई चले गए तो बोले भाई ये दिल्ली वाला है, पर फिर भी दिल तो हरियाणवी था, है और रहेगा। हरियाणा प्रवासी सम्मेलन में पहुंचे बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पहले दुनिया भर में फैले हरियाणवी लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश नहीं की गई। ओलंपिक मेडल मेरे को 2008 में मिल गया था, उसके बाद 16 साल लाइक 17 आ गया, तो इससे पहले किसी इवेंट में हमारे को बुलाया नहीं गया ऐसे ही इवेंट में स्पेशली। लेकिन बड़ा मजा आता है कि ऐसे पूरा हरियाणा एक साथ, पूरे हरियाणा में इकट्ठा हो रहा, पूरा वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा इवेंट है।